क्वालिटी का कहूंगा दोस्तों, जो भी है रियल बताता हूँ, जो भी मैं देखता हूँ यहाँ पे, जो भी रिव्यू करता हूँ पूरा रियल ही बताता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे डोर की मिलेगा आपको। अगर लो क्वालिटी का होता तो मैं बिल्कुल आपको बताता कि हाँ ये लो क्वालिटी का है, बट उस देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक का डिजाइन आपको दिखा देता हूँ मैं, कि ऊपर का कुछ खास तो नहीं है, बट इतना है कि थोड़ा सा प्रीमियम लुक आपके घर को यहाँ पे दे सकता है। और आपको जस्ट मेरे राइट हैंड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको किचन देखने को मिलेगा, और अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे बेडरूम देखने को मिल जाएगा। और अगर सो हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, बट फाइनली एक वीडियो और लेके आया हूँ दोस्तों। ये बहुत दिनों से क्यूरी भी आ रही थी कि 25x30 में, 25x40x50 में आप इस साइज में कोई लेके नहीं आ रहे हैं। तो फाइनली मेरे को उज्जैन रोड पे उसी प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि हाईवे ड्रीम सिटी के नियर बाय एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आई थिंक मैं रिसेंटली मेरी बहुत सारी वीडियोस भी है। और वीडियोस के साथ साथ ये है कि मेरे पास में जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी, तो उन प्रोजेक्ट के साथ साथ में ये प्रोजेक्ट भी मैं नया अभी लेके आया हूँ, जिसमें आपको दिखा दूँ मैं आपको एक बार कि 20x अपने को 25x20 में ये जो पूरा आप पीछे देख पा रहे हैं, तो फिलहाल अभी यहाँ पे एक दो घर अभी देख पा रहे हैं। फिलहाल ये दो ही घर मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो अभी फ्रंट पे घर बना हुआ है, तो इस फ्रंट की बात करूं मैं दोस्तों, तो ये 25x20 में होने वाला है, जिसमें आपको जो पार्किंग का होने वाला है वो 9x9 का आपको बता देता हूं मैं। पार्किंग का एरिया 9x9 का होने वाला है, और जो मास्टर बेडरूम है या फिर जिसे आप नॉर्मल बेडरूम कहें, ये 1BHK का घर होने वाला है, जिसमें आप नॉर्मल बेडरूम की बात करूँ तो वो एटलीस्ट 10x10 का यहाँ पे बेडरूम होने वाला है, और 10x15 का यहाँ पे आपको हॉल देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो किचन की बात करूँ तो 7x10 में आपको यहाँ पे किचन भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अंदर विजिट करते हैं, पर उससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं, देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ की लोकेलिटी बता देता हूँ आपको मैं। लोकेलिटी आप देखेंगे कि मेन रोड उज्जैन रोड यहाँ पे करेक्ट है, और साथ में जो एरिया है वो भी पॉश एरिया है। यहाँ पे ऑलरेडी जो टाउनशिप्स है वो भी डेवलप्ड है, और यहाँ पे घर भी बने हुए हैं ऑलरेडी। और पीछे आप देखेंगे तो सिद्धि विनायक जो बड़ी यहाँ पे प्रीमियम टाउनशिप है वो भी यहाँ पे बनी हुई है। एंड एटलीस्ट अगर कहूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो आप देख रहे हैं कि हाइएस्ट अपने को रेंज में और हाइएस्ट अपने को साइज़ में थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा मिल जाए, तो उनके लिए ये घर बेस्ट होने वाला है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे आपको वो एमिनिटीज़ भी मिलने वाली है, और एमिनिटीज़ के साथ साथ आपको जो आपके बजट में बैठ जाए, सुटेबल हो जाए, और साइज़ भी आपको अच्छा खासा मिल जाए, तो ये सभी चीज़ें इसमें आपको घर में मिलने वाली है दोस्तों। फ्रंट का एलिवेशन तो आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों, फ्रंट का एलिवेशन कुछ इस प्रकार इन्होंने डिज़ाइन करा है कि सामने की जो फ्रंट में आप देख पा रहे हैं, एक विंडो आपको देखने को मिल जाएगी, और साथ में एक नॉर्मल जो लोहे की रेलिंग वाला जो ग्रिड वाला आता है अपना मेन डोर, तो वो मेन डोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर गार्डनिंग की बात करूँ तो यहाँ गार्डनिंग के लिए आपको थोड़ी सी स्पेस, और साथ में पार्किंग के लिए भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। गाड़ी बाइसिकल है या फिर कोई आपकी बाइक वगैरह है तो चढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको स्लाइड वाला पोर्शन यहाँ पे मिल जाएगा, और बाहर के लिए ड्रेन के लिए छोटा सा यहाँ पे पाइप, और जो अंदर की नल कनेक्टिविटी है उसके लिए भी आपको यहाँ पे नल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और पार्किंग का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एटलीस्ट 9x9 में आपको यहाँ पे पार्किंग देखने को मिल जाएगी दोस्तों। एक बार आपको बता देता हूँ मैं कि 9x9 में आपको यहाँ पे पार्किंग देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और पार्किंग के साथ साथ ये आप देख सकते हैं ऊपर सीढ़ियों का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना हुआ है। अब मैं बात करता हूँ मेन डोर की और हॉल की दोस्तों। तो जैसे ही आप यहाँ पे मेन डोर से एंटर करेंगे, तो मेन डोर से एंटर करने के बाद में जस्ट नॉर्मली नॉर्मली आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मली जो हर घर में होता है मेन डोर, वो भी एकदम थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का है। प्रीमियम क्वालिटी का कहूँगा दोस्तों, जो भी है रियल बताता हूँ, जो भी मैं देखता हूँ यहाँ पे, जो भी रिव्यू करता हूँ पूरा रियल ही बताता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे डोर की मिलेगा आपको। अगर लो क्वालिटी का होता तो मैं बिल्कुल आपको बताता कि हाँ ये लो क्वालिटी का है, बट उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक वेंटिलेशन ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, और एयर वेंट के लिए भी, और साथ में सनलाइट वगैरह के लिए और वेंटिलेशन वगैरह के लिए एक विंडो, जो मेन मेन वाली विंडो जो हॉल में लगी हुई है, जो अभी हमने बाहर से देखी है दोस्तों, ये तो ये वही विंडो है। अब मैं बात करता हूँ हॉल की, तो हॉल का तो जो साइज मैंने आपको बताया दोस्तों, तो 10x15 का मेरा जो साइज है आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ मैं। और अगर एलिवेशन की बात करूँ, और सॉरी ऊपर की अगर बात करूं मैं इंटीरियर की, तो आप देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक का डिजाइन आपको दिखा देता हूं मैं, कि ऊपर का कुछ खास तो नहीं है, बट इतना है कि थोड़ा सा प्रीमियम लुक आपके घर को यहाँ पे दे सकता है। और साथ में आप देख सकते हैं नॉर्मल यहाँ पे फैन वगैरह लाइट वगैरह कनेक्शन यहाँ पे फुल तरीके से यहाँ पे दे के रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अंदर की, तो अंदर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि फ्रंट में तो आपका हॉल आ गया, और लेफ्ट में जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जस्ट मेरे राइट हैंड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको किचन देखने को मिलेगा, और अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे बेडरूम देखने को मिल जाएगा, और अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट में आपको यहाँ पे
लेड बाथ जो कंबाइन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और अगर लेड बाथ के ऊपर स्पेस की बात करूँ तो स्पेस भी काफी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले बेडरूम की दोस्तों, क्योंकि बेडरूम खास होता है, बेडरूम के कारण ही ज्यादातर लोगों की चॉइस यहाँ पे सिलेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि बेडरूम उनके लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है दोस्तों। तो बेडरूम की अगर बात करूँ मैं दोस्तों, तो बेडरूम आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेडरूम में जैसे एंटर करता हूँ दोस्तों, तो 10x10 का आपको यहाँ पे बेडरूम, वो भी नॉर्मल सा यहाँ पे आपको बेडरूम देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक की एनिमिटीज आपको दिखा देता हूँ मैं। ऊपर एक नॉर्मल सा शेल्फ आपको देखने को मिलेगा, और शेल्फ के साथ साथ ऊपर का जो इंटीरियर है आपको दिखा देता हूँ मैं। ऊपर का इंटीरियर डिजाइन भी काफी अच्छा है, और नॉर्मल सा जो हॉल में लगा हुआ है वही इंटीरियर यहाँ पे भी आपको लगा हुआ मिल जाएगा। और ये विंडो की बात करूँ अगर मैं, तो ये विंडो वही है जो जस्ट अपन ने अभी सीढ़ियों के बाहर से देखी थी। आपने नहीं देखी तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, और अगर आप नहीं देखी तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं दोस्तों। तो लेट बाथ और किचन की बात करूँ, सबसे पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैं कि लेट बाथ अभी यहाँ पे कस्टमाइज नहीं हुआ है, ये आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज हो जाएगा। और साथ ही साथ देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, नल कनेक्टिविटी, ऑल फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और साथ में गीजर, शावर, हीटर और इलेक्ट्रिक वगैरह की कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी दोस्तों। दोस्तों तो किचन की तरफ आपको बताया था, यहाँ पे एटलीस्ट 7x10 में आपको यहाँ पे किचन का जो साइज है वो साइज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। और जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि किचन में आपको वही बेसिक किचन होने वाला है यहाँ पे, ये किचन आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा, मॉड्यूलर नहीं मिलेगा, बेसिक किचन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जो स्पेस है वो भी बेसिक यहाँ पे होने वाली है। और हाँ एक चीज यहाँ पे आपको दिखा दूं कि शेल्फ यहाँ पे एक ही मिलने वाली है दोस्तों। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे कस्टमाइज करवा लें, तो बिल्कुल आप यहाँ पे कस्टमाइज करवा सकते हैं, क्योंकि शेल्फ अभी फिलहाल आपको यहाँ पे एक ही देखने को मिलेगी दोस्तों, जो कि एक लो बजट, एक छोटा सा अगर कहूँ तो 25x20 में आपको इतनी सारी एमिनिटीज मिलना तो पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। तो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और आगे भी शेयर कीजिए दोस्तों। तो वाटर की बात करूँ यहाँ पे, वाटर स्टोरेज की, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 से 3 हजार लीटर की पानी टंकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऊपर की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो ऊपर देख सकते हैं आप सामने का और बाहर का भी, पूरा फ्रंट का एरिया आपको दिखा देता हूँ मैं कि बाहर का एरिया कुछ इस प्रकार से यहाँ पे व्यू आता है ना। अब ये तो हो गई व्यू की बात, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एरिया की, तो आपको एरिया यहाँ पे छत पे कितना मिलने वाला है दोस्तों। तो एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं टावर का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली यहाँ पे जो सभी घर में आगे होता है, थोड़ा आगे की तरफ होता है, जो कि एलिवेशन को अच्छा बनाता है। बट इन्होंने स्पेस के कारण यहाँ पे, क्योंकि 25x20 का घर है दोस्तों, तो यहाँ पे स्पेस की थोड़ा इशू हो रहा था, इसीलिए इन्होंने बीच में बना दिया है, बाकी कोई इशू नहीं है। तो फिर भी ये काफ़ी शानदार दिख रहा है। अब ये तो हो गए दोस्तों अपने टावर और एलिवेशन की बात, अब मैं आपको पानी की टंकी भी बता देता हूँ। वो देखिए ऊपर वाटर कनेक्टिविटी, वाटर स्टोरेज आपको 750 लीटर की ऊपर भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो ये तो हो गई वाटर कनेक्टिविटी और स्टोरेज की बात। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे जो स्पेस है, तो आप स्पेस भी देख सकते हैं यहाँ पे, पूरी आपको स्पेस दिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ से ये जो पूरा 25x20 का जो एरिया है, तो ये पूरी छत आपको खुली मिलने वाली है। यहाँ पे ओनली आपको टावर का स्ट्रक्चर मिलेगा। ऑब्वियसली ये 1 BHK है, इसलिए इसमें आपको इतनी एनिमिटीज देखने को नहीं मिलेगी टावर में, और टावर के साथ साथ छत में, बट बेसिक जो एक बेसिक घर में होना चाहिए तो ये सारी एनिमिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, वो भी लोएस्ट बजट में। अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी फुल रिव्यू आपने देख ही लिया है इस घर का, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो पेमेंट यहाँ पे आपको किस प्रकार से करना होगा, जो DP होने वाला है वो कितना होने वाला है, और जो यहाँ पे रजिस्ट्री अमाउंट है उसमें इंक्लूडेड है या नहीं है। तो अब इसकी बात करता हूँ, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं कि इसकी जो फाइनल कॉस्ट इनकी जो ओनर द्वारा है तो वो 22.5 लाख रुपए है। और साथ में आपको बता देता हूँ मैं कि इसमें आपको रजिस्ट्री भी इंक्लूड है, और रजिस्ट्री के साथ में आपको जो अभी आपने जो एनिमिटीज देखी है अभी अंदर, जिसमें आपको फैन और साथ में जो बेसिन वगैरह के जो नॉर्मली आपके जो नल कनेक्शन वगैरह है जो मिलने वाले हैं, तो वो सभी यहाँ पे ओनर के द्वारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ में जो आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह का चार्ज जो रहेगा वो इसमें इंक्लूड रहेगा, सिवाय एक चीज़ से कि यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको अरेंज करना होगा, जिसमें ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 3 से 4 हज़ार रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट आता है। तो इसमें आप इजीली अरेंज कर पाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो फाइनल जो है का कॉस्ट होने वाला है वो 22.5 लाख रुपये होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट कॉल करना चाहें तो डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।